अब अच्छी लग रही है तू। मेरे नए पापा मुझे पसंद तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो तो तुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अरे बच्ची तैयार हो गई? हाँ हो गया। आजा बेटा, आपके नए पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा आजा, शाबाश। गुड़िया, मेरा कंधा नहीं दबाओगी? बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबाती हूँ। और जोर से, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा जोर से दबा दो ना। और जोर से दबाओ। वेरी गुड, और जोर से। हेलो सर। चलिए हटिए, किनारे हटिए। हटिए, किसने कॉल किया था? हाँ साहब, मैंने किया साहब। तुम्हें कैसे मिली है? यहीं पे पड़ी हुई थी साहब, मैं रोज इस बिल्डिंग में कचरा उठा के यहाँ पे फेंकने आता हूँ साहब। आज भी जब आया तो एक बोरी में हाथ देखा, जब देखा तो साहब मैं घबरा गया साहब, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। इस बच्चे को पहले यहाँ कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, वैसे तो इसी बिल्डिंग का कचरा उठा के मैं यहाँ फेंकता हूँ, अगर इस बिल्डिंग की होती तो जरूर मैं पहचानता होता साहब। त्यागी जी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बच्चे और इसके माँ बाप के बारे में पता करो, और शहर की सारी चौकियों में पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किसी बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है। जी बिल्कुल। माँ की कोख से सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं होता बल्कि एक उम्मीद का भी जन्म होता है, और शायद इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हमारे समाज में इंसानों के साथ साथ इंसानों के भेष में हैवान भी छुपे होते हैं। सर दो दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी ने भी आकर बॉडी क्लेम नहीं करी है, ना ही किसी थाने में किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। कोई तो जानता होगा उस बच्ची को। एक काम करो त्यागी जी, अखबार में ऐड दे दो, हो सकता है शक्ल देखकर कोई पहचान जाए। सर अभी एक फोन आया था, NH-24 के पास जो जंगल है तो वहाँ एक 7-8 साल के बच्चे की लाश मिली है। सर ये निशान तो ठीक वैसा ही है जैसे उस बच्चे की बॉडी पे था। 3 दिन में 2 बच्चों की लाशें, और दोनों के मर्डर का तरीका तकरीबन एक जैसा। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इन मर्डर्स के बीच में। एक काम करो, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अदल बैठो। आसपास के इलाके में किसी ने तो देखा होगा इसको। सुनो, इसको कहीं देखा है? नहीं। गौर से देखो। इसको कहीं देखा है तुमने? नहीं सर। गौर से देखो इसे। नहीं सर, नहीं देखो। आगे ऑटो स्टैंड है, वहां पूछ लीजिए सर। है सुनो, इसको देखा है क्या? इधर आओ। हाँ सर। इस बच्चे को देखा कहीं? हाँ हाँ साहब, इसे मैंने देखा है। कहाँ? साहब इसे मैंने परसों देखा है, उस वाले होटल में जाते हुए साहब। उसमें पक्का? पक्का साहब, मैं रोज होटल के बाहर से अपनी सवारी उठाता हूँ और छोड़ता हूँ। परसों रात जब मैं अपनी सवारी का वेट कर रहा था साहब, तब इस बच्चे को मैंने एक लंबी सी गाड़ी से उतरते हुए देखा था। पर साहब बच्चा बहुत डरा हुआ था, रो रहा था साहब। कौन था साहब? साहब एक आदमी था, पर साहब उसको मैं गौर से देख नहीं पाया साहब। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर, गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, पर हाँ सिल्वर रंग की साहब गाड़ी थी। चलो, परसों रात में ये बच्चा इस होटल में आया था? नहीं सर। ध्यान से देखिए, हो सकता है याद आ जाए। नहीं सर, मैंने इस बच्चे को नहीं देखा। पक्का? यस। बच्चे को देखा है कहीं आपने? नहीं, नहीं। तुमने इस बच्चे को देखा क्या? परसों रात में आया था, गौर से देखो उसे। हाँ सर, इस बच्चे को मैं देखा था, स्विच पे जा रहा था एक आदमी के साथ। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? नहीं सर,
सूटते जाने के हमें अलाउड नहीं है। जब लिफ्ट बंद हो रहा तभी मैं इसको देखा। ठीक है सर। सर फ्लोर बॉय कह रहा है कि एक बच्चे को प्रीमियम सूट से जाते देखा था, मगर स्टाफ मना कर रहा है जाने के लिए। अपना रजिस्टर दिखाइए। परसों रात ये सूट किसके नाम पे बुक था मुझे बताइए। सॉरी सर, ये हमारे होटल के रूल्स के खिलाफ है, मैं आपको रजिस्टर नहीं दिखा सकती। अच्छा, अपने मैनेजर को बुलाइए। जाके सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। ओके। हेलो सर, पुलिस आई है, वो किसी बच्चे के बारे में इंक्वायरी कर रही है। यस सर, आप आ जाइए। जी सर। तो आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी। तो आप अपना रजिस्टर यहाँ दिखाएंगे या थाने में आपस में तय करके बताइए मुझे। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। सर वो एमएलए सर की वाइफ के नाम से बुक था। सर सर ये कह रहा है कि उस दिन का सीसीटीवी फुटेज नहीं है इसके पास। क्यों नहीं है? सर मैं उस दिन सो गया था। सो रहा था? आईडी की फोटोकॉपी है या वो भी नहीं आपके पास? यस। दिखाइए। चलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। दोनों बच्चों की हत्या करने से पहले उन्हें मारा और घसीटा गया है और उनके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है। सर जो दूसरा बच्चा है उसकी लगभग सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। एमएलए विकास सिंह, इसे देखते। सर एमएलए साहब अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। लेकिन मुझे अभी मिलना है। सर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब आए हैं एक केस के सिलसिले में कुछ मशवरा लेने के लिए, और हमारे एमएलए साहब जी को कानून की बहुत अच्छी नॉलेज है ना, तो वो अंदर डिसाइड कर रहे हैं कि किसको सजा मिलनी चाहिए किसको नहीं। हमें आप पे पूरा भरोसा है जज साहब, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। आप चिंता ना करें, सब छूट जाएंगे। आइए आओ इंस्पेक्टर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देने आए हो तो अब तो देर हो चुकी है। अगर तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो हम दिलवा देंगे। मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए सर। छह तारीख की रात में आपकी बीवी के नाम से एक स्वीट बुक था, वहां एक बच्चा भी था जिसकी आज लाश मिली। कहां की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? इंग्लैंड की? गाजियाबाद की। इंस्पेक्टर उस दिन मेरी बीबी इंग्लैंड में थी, वो कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह और सैंडल खरीदने गई है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं ये अभी भी वो वहीं है। उनकी आईडी की कॉपी है हमारे पास। यहाँ मेरी बीवी का आई कार्ड चोरी हो गया है और कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, और तुम उस कमीने को ढूंढने की बजाय यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हो, है? अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है अपनी बीवी के आई कार्ड की। जाओ जाकर ढूंढो उसे। चिंता मत कीजिए मेरे साहब, अपराध का रास्ता आसान जरूर होता है लेकिन लंबा नहीं। आईडी कार्ड भी मिलेगा और अपराधी भी। चलो त्यागी। पुलिस बेहद संवेदनशील मसले से जूझ रही थी, मृत बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और फिर अचानक एक दिन पटना से एक दंपत्ति गाजियाबाद पहुंचे। एक महीने पहले उनकी बेटी का अपहरण हुआ था और जिस बच्ची की लाश मिली थी वो उन्हीं की थी। साहब, अपनी बेटी है साहब, एक महीना पहले ही अपहरण हुआ था साहब। साहब इसकी रिपोर्ट हम पटना के थाने में भी दर्ज करवाए थे साहब, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ साहब। साहब बहुत छोटी थी वो, उसकी उम्र ही क्या थी, कोई किसी इसके साथ कैसे कर सकता है साहब। आप अपना स्टेटमेंट लिखवा दीजिए और हौसला रखिए, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर ये केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है,
एक काम करो त्यागी जी, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ जितने भी बच्चे किडनैप हुए सबके डिटेल्स निकालो, हो सकता है हमें दूसरे बच्चे के बारे में भी पता चल जाए। जी बिल्कुल। हेलो सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ एक 13 साल की बच्ची मर गई है अबॉर्शन के वक्त। मैं सामने नहीं आ सकती, मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। त्यागी जी सर अंदर। कल को 13 साल की बच्ची आई थी अबॉर्शन के लिए? एक मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। नहीं सर, कल के डेट में कोई लड़की एडमिट नहीं हुई। हर्षिता रिकॉर्ड चेक करो। सर इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं। मुझे पता है कि वो लड़की यहाँ आई थी, अगर उसकी बॉडी मिल गई तो तुम सबको अंदर डाल दूंगा, समझे? सर मॉर्ग में कोई भी 13 साल की लड़की की लाश नहीं है। हेलो, इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट। कहाँ है वो लड़की की लाश? मुझे नहीं पता सर। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा था। 13-14 साल की लड़की थी, 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी थी। तुम पुलिस स्टेशन आकर उस लड़की को पहचान सकती हो? हाँ सर। ठीक है त्यागी। जी सर। ये आसपास की दुकानों का CCTV फुटेज निकालो और इस नर्स को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी बिल्कुल। सर सर यही है वो लड़की के साथ जो ये औरत है, इसको पहचानती हो तुम? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। योगी जरा नंबर प्लेट पे जूम करो, पता करो ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड। जी बिल्कुल। तुम्हें पक्का यकीन है ये लड़की 13 साल की थी? जी सर। सर गाड़ी नई ज्योति अनाथालय के नाम पर रजिस्टर्ड है। अपने इंचार्ज को बुलाओ। ये लो, सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हो ना। अब लो मैडम। हाँ पुलिस आई है। ऑफिस में बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो 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 चलो, ये लो। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसी कोई बच्ची नहीं हमारे आश्रम में। आप चाहे तो रजिस्टर देख सकते हैं। गाड़ी उस दिन बाहर गई थी? गाड़ी अक्सर बाहर जाती है, हाँ लेकिन बच्चे नहीं जाते उसमें। सर यहाँ उस लड़की का कोई जिक्र नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। गाड़ी चलाता कौन है? हमारा ड्राइवर मुकेश। त्यागी जी सर, थाने बुलाओ उसे। जी बिल्कुल। जल्दी बोल, उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसने कहा था? साहब मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा साहब, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। साहब मैंने कोई कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। हम लोग गाँव गए थे, हमारी बीवी की डिलीवरी, मेरी बीवी की डिलीवरी। बोला था बीवी की डिलीवरी साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। ये सच कह रहा है, इसकी बीवी से बात हुई थी, ये वही था। कुछ भी खाओ त्यागी, हमें कोई ना कोई सबूत उस अनाथालय से ही मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्ची पर हाथ उड़ाने की? ये बच्चे अनाथ नहीं है, मेरे बच्चे है ये। निकलो अब यहाँ से। आप लोग यहाँ, कुछ पता चला क्या? हमें आपके आश्रम के बच्चों से पूछताछ करनी है। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलवाई मैं अभी बच्चों को इकट्ठा करवाती हूँ। हाँ बस थोड़ा प्यार से पूछिएगा, वो छोटे बच्चे हैं ना।
देखो बच्चों, पहचानते हो उस बच्चे को? तुम डरो नहीं बच्चों, पुलिस अंकल को सब सच सच बताओ। तुम देखो बेटा, सर किसी को कुछ पता नहीं है। हमने पहले ही कहा था आपसे, ये बच्ची यहाँ की नहीं है। हो सकता है किसी ने हमारी गाड़ी का इस्तेमाल किया हो हमें फंसाने के लिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो प्रीति और संदीप है यहाँ पर। चलो। आप यहाँ कैसे? घास छीलने आया हूँ, छीलेगा मेरे साथ? पुलिस वाला हूँ सर, माली नहीं। वैसे इस आश्रम में आप क्या कर रहे हैं? एमएलए साहब यहाँ रेगुलरली चंदा देते हैं, अपनी जनता से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों से खास कर। वैसे इंस्पेक्टर, तुम अपनी छानबीन पर ध्यान दो। रोज रोज अखबार में पढ़ता हूँ कि आज यहाँ वो मरा, कल वहाँ वो मरा। बहुत दुख होता है ये सब पढ़कर मुझे। मुझे भी। चलो त्यागी। जी सर। ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा था, धीरे धीरे कई नए पहलू सामने आ रहे थे। ये कोई मामूली केस नहीं था, पुलिस को कहीं ना कहीं मालूम था कि ये किसी बड़े गिरोह का काम है। आखिरकार पुलिस ने भी इन शातिर मुजरिमों से मुकाबला करने के लिए एक अलग पैंतरा आजमाया। अब हमने बताई ना, हमारे कछु केस थे, कछु लेना देना नहीं है। फिर हमें पकड़ के ले आए काम कर रहे। एक मिनट, हम जानते तुमने कुछ नहीं किया। फिर साहब, हमने तुम्हारे लिए एक नई बहन ढूंढी। बहन? हाँ, ये अब इसकी आश्रम में नौकरी लगवाना तुम्हारा काम है। साहब हम जितना कह रहा हूं उतना सुनो। देख डर मत, हमें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, बस तुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी। साहब हम गरीब आदमी, हम चुप। मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा हूं, समझा? इतना सर कह रहा उतना कर, समझ रहा है? जी समझ गया साहब। अपना यही तुम्हारा घर है, यही रहना है, पढ़ना है, लिखना है, तुमको यहाँ कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा, ठीक है? चल मेरी अम्मा से बात करवा दो ना। हाँ हाँ अभी करते हैं। हेलो, अंबिका की अम्मा बोल रही हैं? हाँ हाँ यहाँ सब ठीक है। हाँ कह देंगे कह देंगे। अम्मा तुम्हारी कह रही हैं कि हम जो कुछ कहें तुम हमारी बात मानना, ठीक है? चलो। तुमने ये क्यों फेंका? ये तो खाने की चीज है ना? मुझे नहीं खाना, ये गंदा है। मुझे तो अच्छा लगता है। इसको खाने से सब बहुत बुरा होता है, इसे फेंक दो। मेरी अम्मा कहती है खाने की चीज को कभी नहीं फेंकते, पाप लगता है। तुम्हारी अम्मा है तो तुम यहाँ पे क्यों आई? ये तो गंदी जगह है ना। मैं तो यहाँ पढ़ने लिखने आई हूँ और फिर बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और अम्मा को पैसे भेजूंगी। पढ़ाई तो यहाँ होती नहीं। शादी हो गई इसकी? नहीं साहब, अभी कहाँ शादी भई है, अभी तो हम यहाँ के दहेज को सामान जुटा रहे हैं, तो सोचो कि बात कर रहे थे नौकरी के ताई। क्या क्या काम कर लेती हो? सब सब आता है मुझे, झाड़ू पोछा। ठीक है ठीक है। देख तुझे यहाँ मेरे ऑफिस की साफ सफाई करनी है और यहीं आश्रम में ही रहना होगा, ठीक है? सो जा मेरी गुड़िया रानी,
अब चुप क्यों हो गई? गाओ ना। सो जा मेरी गुड़िया रानी, पलके नीचे सो जा, डर को मन से दूर भगा के मुस्कुरा के सो जा। चंदा सर, अभी अभी किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई है, मैं पता लगा रही हूँ कि कौन था। गोरखपुर से जो फल उठाए थे वो आपके फार्म हाउस पर रवाना कर दिए हैं। सर, जंगल में जिस बच्चे की बॉडी मिली थी वो बच्चा रांची से था। उसके घर वालों को 10,000 एडवांस दिया था ये कहकर कि उसे नौकरी मिलेगी। उसके बाद से ना तो उसका फोन आया और ना ही पैसा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि रिचा के हाथ एक बार सबूत लग जाए, बस उसके बाद मैं इन आश्रम वालों को देखता हूँ। जी जरा ठीक से मेकअप करो, गाल सेब की तरह दिखने चाहिए। अरे कर तो रही हूँ। हाँ बेटा, लॉलीपॉप मुंह में लो। सर, यहाँ बच्चों की फोटोज खींची जा रही है, लगता है ये फोटोज क्लाइंट्स को भेजी जाएंगे। सर, ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। रिचा, कुछ भी करो, हमें उस कैमरे की चिप चाहिए। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ सर। नई ज्योति अनाथालय में छोटे छोटे बच्चों को इंसान नहीं बल्कि बिकाऊ चीज समझा जा रहा था। मेकअप लगाकर उन मासूमों को मंडी में बेचने की तैयारी हो रही थी। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल लगभग 60,000 बच्चे लापता हो जाते हैं और इनमें से ज्यादातर बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। पिछले 10 सालों में बच्चों का यह अवैध व्यापार लगभग 4 गुना बढ़ा है और दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और ये बेहद चिंता का विषय है। पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना सारा जोर लगा रही थी। वो अपने हाथों से ऐसा कोई सुराग नहीं जाने दे रही थी जिससे वो गुनहगारों को पकड़ सके और अब पुलिस की सारी उम्मीदें टिकी थी कैमरे में कैद उन तस्वीरों पर। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? साहब वो मैं ऑफिस की साफ सफाई हो गई? हाँ साहब, सब कुछ कर दिया मैंने। मैं जाती हूँ। अरे जरा रुको तो सही, सारा दिन काम ही करती रहोगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ये हाथ देखो कितने नाजुक हैं, इनको ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। हाँ देखो, रिलैक्स, टेंशन मत लो, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। सब हेलो। जी सर। हाँ सर, मैं चिप लेकर आ रहा हूं, सारे नए फोटोज हैं सर।
जी 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 मैं आ रहा हूं। चिप तो इसी में थी। ए, रुको। हाँ साहब। इसमें क्या है? इसमें मैं सब्जियां लाऊंगी साहब। दिखा इधर। गार्ड, गार्ड। जी साहब। इसे या किसी और को भी यहां से बाहर मत जाने देना। अगर यहां से कोई भी बाहर गया तो देख लूंगा सबको। समझ आ गया ना? हेलो, चिप मेरे हाथ लग गई है सर, बस मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। कुछ भी करो रिचा, लेकिन वहां से निकलो, वो चिप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। एमएलए साहब, वो कैमरा, वो क्या कर रहे हो संदीप? जल्दी जाओ, जाकर लैपटॉप लेकर आओ, मल्होत्रा साहब को देर हो रही है। जाओ। जी एमएलए साहब। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी सर, ये तो हम सबका भी फेवरेट है। संदीप, वरुण को बुला के लेके आओ। वरुण, वरुण, वरुण। अंबिका, वरुण को देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। हाँ क्या है? वरुण, 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 चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ जल्दी, चलो। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं? चलो। वरुण कहाँ जा रहा है? बेटा, वरुण को एमएलए साहब अपने साथ ले जा रहे हैं। फंक्शन में वरुण उनको माला पहनाएगा। मुझे भी जाना है एमएलए सबको माला पहनाने, मैं भी जाऊँ उसके साथ? हाँ हाँ, तुम भी जाओगी बेटा, लेकिन अभी तुम्हारे जाने में वक्त है। बैठा क्यों है? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, शाबाश। एक मिनट, ये तेरे ऊपर अच्छा लगेगा, पहन ले। भाई, इंदर जी के यहाँ का खाना कमाल का था। हमको तो सबसे बढ़िया तंदूरी रोटी लगी। दीदी। हाँ? वरुण कब आएगा? तू क्यों टेंशन ले रही है?
आ जाएगा। आ, तुझे भी नेल पॉलिश लगा दूं। आजा। प्रीति, बड़े होकर अंबिका बिल्कुल हीरोइन दिखेगी, है ना? वरुण, वरुण, फंक्शन कैसा था? क्या हुआ? खाने में क्या मिला? वरुण उठो बेटा, उठो वरुण बेटा। अरे डरो मत, मुझे बताओ तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? बेटा डरो मत, अरे मैं दीदी हूं तुम्हारी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बताओ मुझे। मुझे नहीं, नहीं रहना। हाँ गंदे लोग, वो हॉट दर्द बार बार आते हैं। हाँ और बताओ वरुण। हाँ ओए क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी वो हाँ? रो रहा था ना। तुझे मैंने यहाँ सवाल जवाब करने के लिए रखा है। चल निकल यहाँ से, बोरिया बिस्तर बांध अपना और निकल यहाँ से। दीदी अरे वो सच में बहुत रो। वॉचमैन, वॉचमैन, इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो। दीदी अरे वो बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। हाँ क्या बता रहा था उसको, क्या बता रहा था? सर, सर ये चिप है। लगे, लगाओ उसे। यस, अब नहीं बच पाएंगे ये लोग। सबूत हमारे सामने अभी कभी रेट में। लेकिन सर वॉरंट तो कल सुबह ही मिल पाएगा, अभी तो कोर्ट बंद है। एक काम करो त्यागी, आश्रम के बाहर अपने खबरी लगा दो और उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखो। वहां क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। समझे? बिल्कुल। गुड जॉब रिचा। थैंक यू सर। तस्वीरों से पुलिस को पुख्ता सबूत तो मिल ही गए थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था कि जुर्म कितना संगीन है। वो अनाथालय में छिपे गुनहगारों को पकड़ सकते थे, लेकिन कानून ने उनके हाथ बांध रखे थे। इधर पुलिस सुबह का इंतजार कर रही थी और उधर अनाथालय में अंधेरा और खौफनाक होता जा रहा था। चुप रहने वाले बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, जो बच्चे बोलते हैं अच्छे नहीं लगते, और जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं उनको सजा मिलती है। सॉरी भैया, मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, माफ कर दो। ये तो मर गया। मैंने कुछ नहीं किया, हार्ट अटैक से मर गया होगा। एक और लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ तो लगा देंगे ना ठिकाने, इतना टेंशन क्यों ले रही है, पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। एमएलए साहब आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम पहुंचा रहे हैं। अरे तू
दीदी वरुण का है, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। बेटा तू उसकी चिंता मत कर, वो एकदम ठीक है। उसके मम्मी पापा आए थे ना नए वाले, उनके साथ चला गया वो। मुझसे बिना मिले चला गया? उसे देर हो रही थी ना इसलिए चला गया। तू चल मेरे साथ। चल बैठ, जल्दी से तैयार कर दूं तुझे। तैयार क्यों दीदी? भूल गई ना, अरे नेताजी को आज तूने माला पहनाना है, जाना है ना? जी दीदी। सर वारंट मिल गया है। अब बताते हैं, चलो। हाँ बोलो सर। ये लोग बच्चों को गाड़ी में बिठा के कहीं लेकर जा रहे हैं सर। तुम उनका पीछा करो और हमें बताते रहो कहाँ ले जा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, चल 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 चल। हेलो। हाँ बोलो, कहाँ पहुँचना है? सर आगे चौक से राइट मान लीजिएगा। आगे आगे से राइट लेना, बस उसके लेफ्ट साइड में एक होटल है, उसी में जा रहे हैं सर। सर ये लोग ओरिएंटल प्लाजा के अंदर गए सर। आगे पेट्रोल पंप के लेफ्ट में एक होटल है, वहाँ रुकना है। यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एमएलए साहब क्या कहेंगे? इसकी बोली 50,000 से शुरू की जाए। 50,000 कम नहीं लगता आपको? कम से कम 1,00,000 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 1,00,000 से शुरू करो। सो शैल वी स्टार्ट द बिडिंग? What about you, gentlemen? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000. Congratulations. I'm happy. इसको मेरे कमरे में भिजवा दो। जी। Please come. मुझे नहीं जाना दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। नखरे बंद कर और चुपचाप उनके साथ जा, समझी? ले जाओ इसे। मुझे नहीं जाना। सर, सर, अमृतकार वरुण यहाँ नहीं है। और बच्चों की बोली लगाती हो तुम? कहाँ है वो लोग? बेचा, जरा ऐसे पे तो दिखा दर्द होता क्या है? बोल, अमृतकार वरुण कहाँ है? कहाँ है अमृतकार वरुण? वरुण मर गया। और अंबिका कहाँ है? मैंने पूछा अंबिका कहाँ है? बोल, बिक गई। कहाँ है वो? इसी होटल में। इस होटल में कहाँ पे है? सेकंड फ्लोर पर, रूम नंबर 202। अंकल को अच्छे से डांस करके दिखाओ। मुझे नहीं आता। मैंने कहा अंकल को डांस करके दिखाओ तो दिखाओ, समझी? डांस नहीं, प्लीज।
इंस्पेक्टर, तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। एमएलए हूं यहाँ का, तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा। मैं उसके पहले तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा एमएलए। तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारे पास और कोई चारा नहीं होता सर। कई बार बच्चों को इतनी ज्यादा लग जाती थी कि उनको मारना ही पड़ता सर। अगर उनका इलाज के लिए लेकर जाते तो शक हो जाता लोगों को, इसलिए मार देते थे। और उसके बाद लावारिस की तरह छोड़ देते थे कूड़ेदान और जंगल में। हाँ, वरुण की लाश कहाँ ठिकाने लगाई? बोलती है कि नहीं? बोल। वरुण की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? बोल। वरुण की लाश को हमने जमीन के नीचे दफन कर दिया। अरे, एक औरत होकर मासूम बच्चों पर जुल्म करते हो? कल को तेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा तुझे? हाँ? बोल। बस कर दो। खास छीलने का बहुत शौक है तुझे, छिलवाता तुझसे खास, जेल में खास ही छीलना तो। नई ज्योति अनाथालय की आड़ में जो घिनौने अपराध हुए थे उनसे पूरा देश शर्मसार हो गया था। अपराधियों को सजा तो मिल गई लेकिन बहुत सी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई, कई परिवार उजड़ गए। बच्चे हमारे देश का भविष्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी, लेकिन अपराधियों के लिए बच्चे बड़े ही आसान शिकार होते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा भी दें कि कौन सा स्पर्श सही है और कौन सा गलत। ऐसे अपराधियों की नजर से सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि सभी बच्चों को बचाना हमारा सामाजिक दायित्व है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.